ये जो दवाई है क्या हकीकत में इससे जो ये सफेद दागे ये ठीक हो जाते हैं? जी हाँ ठीक हो जाते हैं। ये बनाते जंगल से लाते ततैया का छत, जी उसको जलाते हैं, जलाकर उसको वो पीसते हैं, पीस कर उसको पाउडर बनाते हैं। फिर जो पाउडर बनाते हैं फिर उसको कोकोनट ऑयल और ब्लैक सीड्स उसमें डालते हैं, अच्छी तरह पेस्ट बनाते हैं, पेस्ट बना के वाइट दागों पे लगाते हैं, उससे वो ठीक हो जाते ये हैं। जो छत होता है कि आसानी से मिलता है, आसानी से नहीं मिलता है, ये अगर मिलेगा भी किसी को तो कहाँ पे इसको ढूंढना पड़ेगा? उसको जंगलों में ढूंढना पड़ेगा, बड़े बड़े दरख्तों पे ढूंढना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं मिलता है, ऐसे तो नहीं ना मिलता ऐसे है। नहीं मिलता अच्छा, अगर है। आपकी बात करें तो आप कैसे लाते हो उसको, हम भी बहुत मुश्किल से लाते हैं, बहुत मुश्किल जो से। दवाई है, इस दवाई से कितने मरीज ठीक हो गए? इस दवाई से बहुत से मरीज ठीक हो गए, अच्छा, कोई ऐसा मरीज था जो इस बीमारी से ठीक नहीं हुआ? बहुत से ठीक भी नहीं होते हैं, अल्लाह मालिक की मर्जी जिस पे होती है वो ठीक होता है, अल्लाह मालिक के फजल करम से ठीक होता है। किसी को अल्लाह मालिक ने नहीं लिखा होता है तो वो नहीं ठीक होता है, उसको क्या करेंगे। अगर जो लोग इस दवाई को लेना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि हम इस्तेमाल करें, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहोगे? मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि वो अपने घरों में कोशिश करें ये दवाई बनाए। मैं भी गया था एक बार, मैंने भी सुना है। मैं जब गया तो मैंने जब ले ली, उसने मुझे बना के दे दिया एक शीशी में। जब मैंने वो लगाया, मुझे यहाँ से, यहाँ इस चेहरे पे थोड़े दाग थे और ये हाथों में, मैंने जब लगाया वो तो मुझे उससे काफ़ी फर्क पड़ा। मुझे काफ़ी फर्क मैंने पड़ा। काफ़ी दवाई लगाई थी, मेडिसिन लाया था, बहुत कुछ किया था, डॉक्टरों के पास गया था, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन उसके बाद मैंने जब सुना, तो मैं जब गया मैंने देखा वो किसी चीज़ को मिला रहे थे किसी में, वो फिर दवाई काली बन रही थी। उसके बाद जब उसने मुझे दिया एक शीशी में डाल के, बोला ये थोड़ा थोड़ा करके लगाना, मैंने एक दो बार लगाया, मुझे फ़र्क हुआ। आज ना मुझे चेहरे पर वो दाग है ना हाथों में। तो मैंने भी दवाई लगाई है, इसकी दवाई लगाई मैंने, 3 महीने के बाद मुझे बिल्कुल ठीक हुआ ये। 2 हफ्ते पहले हमने एक वीडियो स्किन डिजीज़ के हवाले से, यानी वाइट पैच्स ऑन स्किन के हवाले से हमने एक वीडियो ब्रॉडकास्ट की, और हिंदुस्तान में कई शहरों से मरीजों ने हमें इस हवाले से पूरी वीडियो बनाने की दरख्वास्त की। हमें उम्मीद है इस वीडियो में हमने आपको मुकम्मल जानकारी फराहम की, और ये जो नुस्खा है इस नुस्खे से कई सारे मरीज जो इस जलद बीमारी से मुतासर है, जो वाइट स्किन डिजीज़ से मुतासर है, से फैज़याब होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।